Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. And guys, आज थोड़ा mood है artistic. So today's video is all about shoe, जो कि आपने title से पढ़ लिया है. And मैं आज की video के लिए बहुत ज़्यादा excited हूँ. So finally मेरा order आ गया था. And आपको पता है फिर order आने के बाद हम क्या करते हैं? Video बनाते हैं ना. YouTube पे डालते हैं. Anyways, so guys, आज की video में मैं shoes customize करने वाला हूँ. वो भी first time. And I'm very excited. आप सोच रहे हो कि मैं कौन से शूज कस्टमाइज कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. सो गाइस, वीडियो इज ऑल अबाउट दैट ओनली. एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. आप लोग जितने भी लोग वीडियोस देखते हो ना, वो किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल. मैं देखता हूँ, मैं इस चीज से ना रोना आता गाइस, मत किया करो ऐसे. सो गाइस, सब्सक्राइब करो यार, फिर वीडियो देखो. एंड गाइस, आई वांट यू गाइस, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करो, पहले नीचे जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे. सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू. एंड आई लेट यू नो गाइस कि आज मैं कौन से शूज कस्टमाइज करने वाला हूँ एंड हाउ आई एम गोना कस्टमाइज दो शूज. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, जो मैं शूज कस्टमाइज करने वाला हूँ वो है None other than Vans. Vans के मैं प्लेन व्हाइट शूज कस्टमाइज करने वाला हूँ. आपने Vans के शूज नॉर्मल देखे होंगे, जो इसके क्लासिक शूज आते हैं Vans के. आज मैं इनको कस्टमाइज करने जा रहा हूँ. मैं बताता हूँ इनको कैसे कस्टमाइज करेंगे हम. फर्स्ट, पहले तो हमको सबसे पहले निकालने इनके लेसेस. गाइस, ये मैंने एक दो बार ही डाले थे, एक रिसेंट फोटो में मैंने डाले थे. मैं उसके फोटो पहले खींच लूँ व्हाइट के बाद, ये जब इसको कस्टमाइज करूंगा उसमें फिर क्लिक करेंगे. तो गाइस, जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ शूज को कस्टमाइज, तो मतलब मैं काफी सिंपल कस्टमाइज करने वाला हूँ इसको. मतलब काफी आइडिया सोच रखे हैं अलग अलग डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीके से कस्टमाइज करने के. बट आज मैं फर्स्ट वीडियो है तो मैं सिंपल कस्टमाइज करूंगा. एंड गाइज, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा. गाइज, वंस वी रीच 400 के सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, तो गाइज 400 के पे मैं एक गिव अवे करने वाला हूँ शूज से रिलेटेड. एंड गाइज, आफ्टर 400 के मेरी एवरी शू वीडियो में गिव अवे रहेगा. सो गाइज, आपको पता है क्या करना है, बस एक सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना है. एंड 400 के जल्दी से करना है, सो दैट कि गिव अवे स्टार्ट हो जाए. करते हैं फिर इसको शुरू. सो गाइस, इसको शुरू करने से पहले कॉटन बॉल्स चाहिए. एंड आपको घर पे ये इजीली मिल जाएगा, नेल पॉलिश रिमूवर जिसको बोलते हैं. तो मतलब इसको ना ऐसे हल्का हल्का ऊपर से क्लीन करना थोड़ा सा. एंड गाइस, ये आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा. तो गाइज, हमने इसको कर लिया है साफ ऊपर ऊपर से. सो गाइज, इसमें जो मैं कलर्स यूज करने जा रहा हूँ वो है एक्रेलिक कलर्स. ये आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल रहेंगे. एंड ये फैब्रिक के लिए यूज होते हैं, बिकॉज जो शूज हैं वैंस के, ये फैब्रिक का शूज है, इट्स नॉट लेदर. वो लेदर पे भी कलर्स यूज हो जाते हैं. लाइक ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने बेसिक एक्रेलिक कलर्स यूज करने जा रहा हूँ. तो गाइज, हम शुरू करते हैं. यहाँ पे मेरे पास 6 डिफरेंट कलर्स हैं. आई हैव कोरल रेड, पिंक, पर्शियन ब्लू, फ्लैश टेंट एंड क्रोम येलो एंड नियॉन ऑरेंज. मैं ब्लू नहीं यूज करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी ब्लू वैंस है. मैं येलो यूज कर सकता हूँ, नियॉन ऑरेंज डेफिनेटली आई एम गोना यूज दैट. तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कौन से यूज करने चाहिए. तो मैंने सोचा है कि मतलब इसमें मैं क्या करूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसका जो वैंस का वो नॉर्मल व्हाइट रहता है वो व्हाइट ही रहने दो, उसके अराउंड कलर करूँ. देखते हैं, शुरू करते हैं किसी कलर के साथ तो शुरू करें. तो आई हैव ब्रशेज यहाँ पे, आई एम गोना यूज दिस ब्रश. ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम है कोई बात नहीं, बट शुरू करना ही है किसी भी आदत से. तो गाइस, एज यू नो थोड़ा लो बजट वीडियो है तो कैमरा एंगल चेंज हो गया है, शेक कर लेते हैं. सो आई एम गोना स्टार्ट विद पिंक कलर. काफी ब्राइट पिंक है, ये ब्राइट पिंक कलर है. एंड ऐसा मुझे पिंक को लाइट करना पड़ेगा. इसमें आई एम गोना ऐड व्हाइट कलर. आई एम गोना ऐड व्हाइट. तो गाइस, ये बेबी पिंक बन चुका है इस समय. बेबी पिंक इज माय फेवरेट कलर. ज्यादा डार्क पिंक भी नहीं करना चाहता. लेट्स ट्राई एंड गिव इट अ शॉट. ये हम क्या करने जा रहे हैं, मेरे को खुद नहीं आइडिया मैं क्या करने वाला हूँ. आप शूज में देख सकते हो काफी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं. मैं इसका बेस तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ एंड ये व्हाइट वाला बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ. सो आई एम गोना लाइक पुट वन कलर ऑन दिस एंड सेम कलर ऑन दिस. शुरू करते हैं. आई एम प्रीटी नर्वस बिकॉज फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ. गाइज, मैंने ऑलमोस्ट ये एक उसका कर लिया है पेंट को, हल्का सा ड्रायर करेंगे हम. ज़्यादा भी ड्रायर नहीं करना, सूख जाएगा बाद में, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा इंटेंस पेंटिंग नहीं कर. तो अभी बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पे, जहाँ पे मेरे को इसको पेंट करना है. और आई गेस मेरे को ये पार्ट करना चाहिए इसका पेंट, तो मैं ये पार्ट करता हूँ.
inside and we will survive. Guys, सबसे टफ रहता है इनकी कॉर्नर्स करना, जो इसमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है. सेंटर में तो पेंट इजीली हो जाता है, बट जब कॉर्नर्स की बारी आती है तो फट जाती है. तो गाइस, पीछे से कुछ ये ऐसा दिख रहा है, फ्रंट से ऐसा दिख रहा है. एंड मैं बहुत मिस्टेक्स करने वाला हूँ. कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है तो मिस्टेक से सीखूंगा नेक्स्ट टाइम के. देखो तो ये अच्छा लग रहा है. चलते हैं, हम अभी बढ़ते हैं, इसको करते हैं, दूसरे पेयर को सेम ऐसा बनाते हैं. तब तक ये थोड़ा सूख जाएगा. गाइज, आगे से ये शूज इज डन एंड पीछे से भी ये डन है पिंक में. एंड आई थिंक अब इसको कुछ नया कलर देने की बारी है. सो मैं अब यूज करने जा रहा हूँ ये कलर. दिस इज फ्लैश टेंट एंड काफी न्यूड स्किन सा कलर है. तो आई थिंक ये पिंक के साथ परफेक्ट जाएगा. तो गाइज, अभी मैं कलर करने जा रहा हूँ ये जो पिंक है. पिंक के ऊपर एक ये लाइन है, लाइन को मैं कलर करने लगा हूँ अभी इसको. लेट्स सी इसका कैसा आता है. तो गाइस, दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा कैसा लग रहा है ये समय. यस, इट्स डन. शूज को कस्टमाइज करना गाइस, इट्स अ वेरी बिग टास्क. अभी ये शू जस्ट आप देख सकते हो, पिंक ऊपर एक पीच लाइन एंड आगे से पिंक, अभी इतना ही हुआ है. अब मैं दूसरे शू पे करने जा रहा हूँ सेम. दूसरा शू भी रहा यहाँ पे, दोनों के पीछे से इट्स डन. एंड अब इसमें और एलिमेंट ऐड करते हैं, देखते हैं इसमें मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ. अभी तक तो ये मुझे शू बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्रेजी लग रहा है शू. तो पीच कलर और ऐड करना है, वो मैं ये कॉलम में ऐड. सो आई एम गोना ऐड यहाँ पे. So guys, ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, मेरे को काफी अच्छा लग रहा है. ये ऑलमोस्ट एक पेयर डन हो गया. अब मैं दूसरा पेयर डन करता हूँ. सो गाइस, ये दोनों डन हो चुके हैं, दोनों के लेसेस वाला एरिया इज डन. एंड मुझे तो अच्छा लग रहा है इसमें बहुत ज्यादा. अब इसमें ऐड करने की बारी है कुछ अलग कलर. मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसमें पर्पल ऐड किया जाए. पर्पल कलर मेरे पास है तो नहीं, बट आई एम थिंकिंग कि पर्पल क्रिएट करना पड़ेगा. वो शायद मेरे ख्याल से, इतना मुझे कलर का नॉलेज नहीं है, मेरे हिसाब से डार्क पिंक और ब्लू, डार्क ब्लू के साथ पर्पल क्रिएट होगा. यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्लू कलर डाल रहा हूँ, थोड़ा सा क्रिएट करके देखते हैं कि क्या बनता है. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो हो रहे हैं ना मेरे, मजा ही आ रहा. अबे कैसा ब्लू है यार, दोनों कलर्स को खा गया यार, ये दिख ही नहीं रहा. मतलब ब्लू ही है सिर्फ, भाई सिर्फ ब्लू ही निकल रहा है गाइस. गाइस, मेरे को थोड़ा रेड डालना ही पड़ेगा. इसको मैं ट्राई करता हूँ पेंट करने का, बस अभी कोई और ऑप्शन नहीं है. मैं अब इतना कलर वेस्ट नहीं कर सकता फर्स्ट टाइम में. अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है, नॉट बैड. गाइस, एक साइड डन हो गया, दूसरी साइड कर रहा हूँ. काफी टाइम लग गया, इतना सोचा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा. कैमरा का बैटरी भी डेड हो गया, इतना मुझे टाइम लगा इस पे. तो आफ्टर 3 आवर्स ऑफ कड़ी मेहनत, आप भी देख रहे होंगे कि डेलाइट कम हो गई है. शूज कुछ ऐसा दिख रहा है, साइड से पर्पल, आगे से पिंक एंड उस पे जो मैंने वो किया था. तो गाइस, लास्ट कलर जो मैं करने वाला हूँ वो है येलो. गाइस, मैं येलो करने वाला हूँ इस पार्ट पे, ये सारा जो ये पर्पल के साथ अटैच होगा. काफी ब्राइट येलो है, वाओ. गाइज, आप देख सकते हो दोनों शूज रेडी हैं, ये प्रॉपर रेडी हो चुके हैं, दोनों तरफ से पेंट हो चुका है इसका. जो भी किया है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. वैसे रात पड़ चुकी है एंड मुझे इसको दोनों को कंप्लीट करते हैं, आई गेस ऑलमोस्ट 4 आवर से ऊपर हो चुका है. वैसे तो बहुत मजा आया, फर्स्ट टाइम किया, बहुत ज्यादा मजा आया एंड दिखने में बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं. एंड गाइज, इसमें मैंने एक एलिमेंट और ऐड किया, मैंने परमानेंट सीडी मार्कर से इसके आगे जो फ्रंट लाइंस रहती हैं उसमें मैंने फ्रंट लाइन डार्क की है. गाइज, अभी मेरी पीठ टूट चुकी है, मैंने इसमें एक एलिमेंट और ऐड किया है. तो गाइस, मैंने ना इसके अंदर जो ये पर्पल किया था डालने ले, उसको भी व्हाइट थे तो मैंने उसको भी पर्पल कर दिया साथ. एंड ये कुछ शूज ऐसा दिख रहा है इससे. मैं अभी दूसरे का भी कर रहा हूँ, जब दोनों खत्म होते हैं देन आपको फाइनल आउटकम पूरा दिखाता हूँ. हे गाइस, तो फाइनली आफ्टर लाइक 5 freaking hours ये प्रोडक्ट निकला है मेरे हाथ से. एंड यू कैन सी कलर्स बहुत ब्राइट यूज किए हैं एंड मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है गाइस. एंड इसमें बस बाकी रह गया वो लेसेस डालना. अभी तो राइट नाउ आई हैव व्हाइट लेसेस, आई थिंक दे आर गोना लुक क्रेजी ऑन दिस वन, बट इन फ्यूचर आई कैन एड पर्पल, पिंक, येलो, एनी कलर. मैं इसमें मिसमैच करके भी लगा सकता हूँ लेसेस. तो इसमें प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, इतने कुछ मुश्किल से नहीं मिलते मार्केट से, बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में. तो चलो मैं आपको इसमें लेसेस डाल के दिखाता हूँ कि ये लेसेस में कैसा दिखता है, आफ्टर लेसेस इसका फाइनल लुक क्या आता है.
तो गाइज ये लेसिस के बाद इसका लुक कुछ ऐसा है। गाइज आई एम लविंग इट। मेरी 5 घंटे की मेहनत आई गेस सक्सेसफुल गई है। मेरे को तो बहुत प्यारे लगे। एंड गाइज मैंने आपको जैसे बोला था गाइज मेरी शू वीडियो में एक गिव अवे रहेगा, बट वो आफ्टर रहेगा 400K। तो गाइज व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, आप सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये कस्टमाइजेशन कैसा लगा। So guys, that's it for the video. And if you like this video, don't forget to like, subscribe, share and comment में आपको बताना है कि शू कैसा लगा है ना, और bell icon भी दबा दो। So guys, मिलता हूँ आपको next video में। Till then, take care. See you. Bye bye. Peace out.